हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जीडी परमार। यह है लेसन नंबर 9 एचटीएमएल इन हिंदी चैनल। तो इस लेसन नंबर 9 में हम सीखेंगे कि कैसे ऑडियो फाइल जो है वो एचटीएमएल का यूज़ करके प्ले करें हम, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक फोल्डर में एक सॉन्ग कॉपी करके रखा हुआ है जिसका नाम है सॉन्ग डॉट MP3 फाइल है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर MP3 फाइल, इसका नाम है सॉन्ग। तो ये जो सॉन्ग है वो हम HTML का यूज करके प्ले करने वाले हैं, ओके। तो HTML में MP3 फाइल प्ले करने के लिए टैग है हमारे पास ऑडियो टैग, ऑडियो, ओके, ऑडियो। और इसमें हमें देना है SRC, मतलब सोर्स फाइल देनी है। सोर्स फाइल में क्या होगा कि सोर्स फाइल का नाम पहले लिखो। हमारे पास जो सॉन्ग है उसका नाम है सॉन्ग डॉट MP3, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है ऑटो प्ले। अगर आप ऑटोमेटिकली जब रन करेंगे HTML फाइल तो ऑटोमेटिक सॉन्ग प्ले करना है आपको, तो आपको लिखना है ऑटो प्ले, ओके। और यदि आपको कंट्रोल्स सब चाहिए तो यहाँ पर लिखना होगा कंट्रोल्स, ओके। तो ये बन गया हमारा ऑडियो टैग, जिसमें हम देंगे सोर्स फाइल, यानी कि कौन सी MP3 फाइल प्ले करनी है उसका सोर्स, ऑटो प्ले मतलब ऑटोमेटिकली प्ले होगा सॉन्ग, और कंट्रोल्स मतलब जो भी कंट्रोल है वो कंट्रोल आ जाएंगे, ओके। इस फाइल को हम रन करेंगे, लेसन नंबर 9। ये देखिए, ये MP3 ऑडियो जो टैग है उसका ये पूरा फॉर्मेट है, ये सब कंट्रोल है उसके, ये ऑडियो कंट्रोल है, ये सिक बार है उसका, ये टाइम दिखाता है यहाँ पर, और ये स्टॉप एंड प्ले बटन है, पुश प्ले बटन, ओके ओके फाइन। तो यदि हम ऑटो प्ले नहीं रखते तो क्या होगा, देखिए आप ऑटो प्ले यहाँ से हम निकाल देते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये सॉन्ग जब आप रन करेंगे HTML फाइल तो ऑटोमेटिक रन नहीं होगा, ये सॉन्ग प्ले नहीं होगा। प्ले करने के लिए हमें ये प्ले बटन प्रेस करना होगा, ओके ओके फाइन। तो ये जो ऑडियो टैग है वो HTML 5 का टैग है, ठीक है। और ये टैग है HTML 5 में नया टैग है ऑडियो, आगे भी हमने देखा था कि वीडियो टैग, ये ऑडियो वीडियो टैग दोनों टैग HTML 5 के हैं। और एक टैग है हमारे पास जिसका नाम है BG साउंड, ओके। ये BG साउंड है वो बैकग्राउंड में प्ले होता है, जो भी हम साउंड सेट करेंगे वो बैकग्राउंड में प्ले करेगा। SRC इक्वल टू यहाँ पर लिख दो सॉन्ग डॉट MP3, ओके। अब हम इस कोडिंग को यहाँ से निकाल देते हैं, ऑडियो वाले कोडिंग को, ओके BG साउंड। अब देखिए हम रन करते हैं इसको, इसको हम ओपन विथ करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये देखिए बैकग्राउंड में हमारा जो सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है, ओके। तो ये हमने ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर क्यों किया, तो इसका ये कारण है कि ऑडियो जो टैग है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पुराने है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब ओल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करते हैं। यह मेरे कंप्यूटर में ओल्ड है इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा, ओके। तो ये हम ओपन विथ गूगल क्रोम करेंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ओपन विथ गूगल, सॉरी ऑडियो BG साउंड जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में BG साउंड इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करता है, बल्कि जो क्रोम है उसमें सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ऑडियो और वीडियो जो टैग है वो
यहाँ पे हम रन कर सकते हैं, लेकिन बीजी साउंड जो है वो ये सपोर्ट नहीं करता है। तो कई ऐसे HTML के टैग हैं कि जैसे कि कोई एक ब्राउजर सपोर्ट करता है, कोई एक ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपने HTML कोडिंग लिखा है, सही लिखा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कोडिंग का आउटपुट जो है वो एक ब्राउजर में सही तरीके से आए और दूसरे ब्राउजर में सही तरीके से न भी आए। ओके, तो इस लेसन में हमने सीखा कि बीजी साउंड जो है वो बैकग्राउंड में साउंड प्ले करता है, ऑडियो टैग है वो ऑडियो प्ले करता है, उसके साथ ये कंट्रोल्स भी आएंगे। ओके, दोनों के अंदर ये SRC प्रॉपर्टी है जिसमें हम सॉन्ग का नाम .mp3 लिख के सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये ऑडियो टैग, वीडियो टैग ये जो है वो HTML5 के टैग है जो लेटेस्ट ब्राउजर है वो सपोर्ट करेंगे। बीजी साउंड जो है वो थोड़ा पुराना हो गया है टैग और कई ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।